हेलो स्टूडेंट, केयर स्केल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्प्लिट एसी का। तो हम साइट पे आए हुए हैं, तो इस एसी को हम चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और हमें इसमें क्या काम करना है। तो जैसे कस्टमरी कंप्लेंट है, इसमें नो कूलिंग है, तो इसको नो कूलिंग में हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एम्पियर मीटर को लगाना है हमें किसी भी एक वायर के अंदर। तो उसके अंदर जो भी कंप्रेसर एक रनिंग एम्पियर होता है, रनिंग एम्पियर का मतलब है कि जो उसका एक लोडिंग एम्पियर होता है उसके हाफ के आसपास उसके अंदर एम्पियर आने चाहिए। तो जैसे कि ये जो 2.5 और 3 के बीच में हमारा एम्पियर चल रहा है और इसका जो लोड का एम्पियर है इस मशीन का, तो यहाँ पे कितना लिखा है 5.2 एम्पियर, यानी कि 6 एम्पियर के आसपास की मशीन है ये। तो हमारा 2.5 एम्पियर के आसपास इसमें ये आ रहा है, इसका मतलब ये मशीन हमारी खाली चल रही है, यानी कि इसका कंप्रेसर बिल्कुल परफेक्ट है और हमें सिर्फ इसमें गैस डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब गैस डालने के दो प्रोसीजर होते हैं कि एक तो होता है कि हम इंडोर और आउटडोर दोनों में एक साथ ही प्रेशर डाल दें, तो इसमें हमारा टाइम बचता है और जल्दी से काम भी होता है यदि हमें लीकेज मिल जाती है। लेकिन यदि हमें लीकेज नहीं मिलती है तो फिर हमें क्या है, दोनों को अलग अलग टुकड़ों में प्रेशर डालना पड़ता है। तो पहले स्टेप पर काम करेंगे, फिर हम दूसरे स्टेप में देखेंगे कि ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो हम डालते हैं इसके अंदर प्रेशर, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें हमने करा है। अभी हम इसको खुलवा रहे हैं मशीन को, उसके बाद इसमें हम चार्जिंग लाइन कनेक्ट करेंगे जो प्रेशर डालेगा। तो हम कंप्रेसर से प्रेशर डाल रहे हैं इसके अंदर और यहाँ से हम नट खोलेंगे इसको और यहाँ से हमारा ये चार्जिंग लाइन कनेक्ट होगा। तो रिंच से इसको, राइस रिंच से इसे नट को खोल लो। अब हमने इसके अंदर लाइन कनेक्ट कर दी है, कंप्रेसर कनेक्ट हो चुका है और चार्जिंग लाइन भी कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इस कंप्रेसर को जैसे ही चलाएंगे प्रेशर इसमें जाने लगेगा। यदि चार्जिंग लाइन आपकी सही लगी हुई है तो प्रेशर बहुत धीरे धीरे जाएगा, यदि आपकी चार्जिंग लाइन सही नहीं लगी और पिन दबी नहीं है तो ये प्रेशर बहुत स्पीड से जाएगा। तो ये आपको समझ लेना, कभी भी यदि स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब आपका उसमें दिक्कत है। अब जैसे ये मशीन कनेक्ट हो गई है, कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है, तो अब देखो इसमें प्रेशर धीरे धीरे जा रहा है। तो ये प्रेशर अभी हमारा जो है धीरे धीरे जैसे इस तरह 100 के आसपास आ गया है, तो हम इसको 350 या 400 के बीच में रखेंगे। तो फिर हम इसको मशीन को चेक करेंगे। तो अभी जाने देते हैं प्रेशर और फिर हम इसको समझते हैं। अब हमने इसके अंदर देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो 450 के आसपास हमने यहाँ प्रेशर इसमें होल्ड कर दिया है। अब इसको होल्ड करके अब हम इसकी हम लीकेज चेक करेंगे। अभी हम पता इसका जो कवर है ये खोल रहे हैं साइड वाला, ये खुल जा रहा है तो फिर हम लीकेज चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं इनको लीकेज मिलता है या नहीं मिलता। अब इसमें देखते हैं कि लीकेज बच्चों को मिल गई है, तो हम उसको देखते हैं कहाँ पे। तो आप ज़रा ध्यान से इसमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा कैमरा। तो एक लीकेज देखो यहाँ पर है, आप देखोगे देखो यहाँ बुलबुल आ रहा है, एक लीकेज तो ये मिल गई है हमें यहाँ पर, और एक नीचे की तरफ यहाँ पर मिली हुई है। आप देखोगे यहाँ पर एक लीकेज हमारे पास यहाँ बुलबुल आ रहा है, ये वाली लीकेज, ठीक है। तो दो लीकेज हमारी मिल गई है और लीकेज तो वैसे ऑलरेडी ये भी होने वाली है क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा इसमें जॉइंट में ऑयल आने लगा है, तो हमें ये भी टाँका लगाना पड़ेगा। अब हमें लीकेज अब मिल गया है तो हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ही टाँका नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे ही हम ब्रेजिंग करेंगे इसके अंदर तो इसमें क्या होगा, प्रेशर बहुत जल्दी तेज़ी से रिलीज होगा और उससे हमारे को नुकसान पहुँचा जा सकता है, तो इसलिए टाँका लग भी नहीं पाएगा। तो हमें सारा प्रेशर इसमें से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें देखो प्रेशर है, तो हम धीरे धीरे
अब सभी स्टूडेंटों ने इसमें आप देखोगे धीरे धीरे इसके अंदर जो ब्रेजिंग कर दी है। अब ये जो ब्रेजिंग करी है ठीक करी है नहीं करी है तो हम इसको चेक करेंगे, प्रेशर दोबारा डालना पड़ेगा, तो वही हम 400 के आसपास प्रेशर दोबारा डालेंगे इसमें, और सारे जो जो हमारे ब्रेजिंग के जो टाँके हैं वो सारे चेक करेंगे। तो अभी देखो इसमें 0 प्रेशर है, अभी 400 प्रेशर जब ये हो जाएगा तो हम फिर इसको स्टॉप कर देंगे, फिर इसको चेक करेंगे। अब हमने लीकेज रिपेयर करके हमने टेस्ट कर लिए, सभी में हमने साबुन सर्फ लगा के सारे लीकेज हमारे प्रॉपर होती है। इसके बाद हम इसमें बाद में अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा गैस चार्जिंग का रहेगा, ये हमारा गैस लीकेज और उसको ब्रेजिंग करने का था, अगली वीडियो में हम लीकेज गैस चार्जिंग करना सीखेंगे। धन्यवाद।